करनाल में आज हुई कार फ्री डे की शुरुआत की गई और आज करनाल के पुलिस अधीक्षक पंकज नैन ठंडी सड़क स्थित अपने निवास स्थान से सेक्टर 12 जिला सचिवालय स्थित अपने कार्यालय तक साइकिल पर पहुंचकर शहरवासियों को नसीहत दी और आज खुद जिला पुलिस कप्तान ने साइकिल चलाकर इस अभियान की शुरुआत भी की। गौरतलब है कि करनाल में हर रविवार को हो रहा राहगीर कार्यक्रम भी करनाल पुलिस अधीक्षक के प्रयासों के बाद शुरू हुआ है। जैसे जैसे हमारा शहर स्मार्टनेस की तरफ बढ़ता जा रहा है और करनाल क्योंकि स्मार्ट सिटी बन चुका है, इसको असल में स्मार्ट बनाने के लिए हमें सभी शहरवासियों को उसमें कोशिश करनी है और उसी का एक कदम ये था कि आज मैंने खुद से शुरुआत की है साइकिल चलाने की। कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक बार साइकिल से ही ऑफिस आऊँ और करनाल के तमाम नागरिकों से मैं अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के साधनों का इस्तेमाल करें। जहाँ शॉर्ट डिस्टेंस है वहाँ आप साइकिल का या पैदल का इस्तेमाल जरूर करें। समय की भी बचत है, आपकी सड़कें भी साफ रहेगी, आपकी सड़कों का कंजेशन भी नहीं रहेगा और ट्रैफिक समस्या से दूर नहीं जाएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और इसके साथ साथ जो हमारे मन में वहम है कि साइकिल से हमें ज़्यादा समय लगेगा, आज मैं खुद आया हूँ और मेरी कार से भी कम समय में यहाँ पर पहुँच गया। करनाल से अजा टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन कमाल के साथ विजय कंबोज की रिपोर्ट।